संविधान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदान भी करोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर, तीन युद्ध भी हुए, 1947 में और 48 में युद्ध हुआ, 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए, इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का और चंब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए, 3,500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं, उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूँ। मगर ये बिल जो है मान्यवर, तीन सीटें दो जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और एक सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो, ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने, के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं मान्यवर। और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूँ। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी, लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी, 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी और जो
दिग्विजय के कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। एससी एसटी के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी एससी की उसको हमने बरकरार रखा और एसटी की सीट शून्य थी क्योंकि धारा 375 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया।